हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम डिलीशियस खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी है। ये है आम की लौंजी, एकदम डिलीशियस टाइप की चटनी है फ्रेंड, जिसे हम अक्सर घर पर बनाते ही रहते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी चटपटी होती है, खट्टी मीठी चटनी बनती है, तो इसका टेस्ट बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ मैंने लिया है 2 रॉ मैंगो फ्रेंड, कच्चा आम, तो जिसे इसका छिलका हम उतार लेते हैं। तो बहुत ही फ्रेश आम लिया है फ्रेंड, गर्मियों के मौसम में ताज़े ताज़े आम काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने छिलका निकाल लिया है इसका। तो छिलका निकालने के बाद फ्रेंड इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो कट आप कौन से भी साइज का कर सकते हैं, तो मैंने कैसे भी इसे काट लिया है फ्रेंड। अगर आप चाहें तो स्लाइस के शेप में काट सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरह मैंने काट लिया है। आप कढ़ाई रख लेंगे, कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 चम्मच ऑयल, आप कौन सा भी ऑयल ले सकते हैं फ्रेंड। तो इसे मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो देखिए इसमें मैंने 1/2 चम्मच सरसों के दाने डाल दिए हैं, राई, साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो देख सकते हैं आप, दोनों जब अच्छे से तड़पने लगे उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं सौंफ। तो मैंने देखिए 1/2 चम्मच सौंफ लिया है, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो सौंफ ज़रूर डालिएगा आप। इस तरह अच्छे से जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो हम इसे अच्छे से तलते रहेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए ब्राउन हो गया है, अब इसमें अदरक ग्रेट किया हुआ डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अदरक नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा अदरक डालना है थोड़ा फ्लेवर के लिए। तो देखिए इसे भी अच्छे से हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च और 2 साबुत मिर्च, तो आप तीखे के अनुसार ले सकते हैं फ्रेंड। तो मैंने इसमें काट कर नहीं डाला है 2 साबुत मिर्च, इस तरह के लिए बहुत टेस्टी बनता है, इस तरह आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो देखिए अच्छे से इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो देखिए हमारे थोड़े से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम मैंगो डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरह रॉ मैंगो डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। तो इस तरह देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। इस तरह बनाकर देखिए फ्रेंड, बहुत ही कम सामान में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है, और बहुत 2 मिनट में बनकर जब भी बनाएं आप, रोटी चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम डाल देते हैं देखिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देते हैं काश्मीरी मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा गरम मसाला फ्रेंड्स। देखिए तीनों को अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे वापस, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दिखता है और बहुत ही अच्छा कलर दिखने लगता है फ्रेंड। तो इस तरह काश्मीरी मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है इसे देखने में भी। तो देखिए इस तरह से डालने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, तो आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं फ्रेंड। मैंने इसमें पानी 2 कटोरी लिया है, लगभग 200 ml। इस तरह पानी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं काला नमक, तो मैंने सादा नमक नहीं लिया है, काला नमक से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप 1/2 चम्मच काला नमक डाल दीजिए। तो इस तरह देखिए अच्छे से उबाल आने लगे, तो उबाल आने के बाद इसमें हम डाल देते हैं गुड़, तो मैंने जैगरी लिया है फ्रेंड्स, तो पीला गुड़ है ये, तो मैंने इसमें देखिए 150 ग्राम लगभग जैगरी गुड़ डाला है। इस तरह आप डालिए इतना। तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड। अब अच्छे से उबाल आते टाइम कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसे हम उबाल आने देंगे। तो मैंने इसे ढक कर नहीं बनाया है फ्रेंड, इस तरह बनाए बहुत ही टेस्टी बनता है। और ढक कर बनाने से क्या होता है कि इसका जो भाप से टेस्ट नहीं बन पाता है, जितना खुले में इसे हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह, देखिए हम आपको चेक कर लेंगे, तो आम हमारा अच्छे से पक चुका है। 5 मिनट में हमारा आम का लौंजी बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं आप कितने टेस्टी बने हैं, तो इस तरह बनाइए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, झटपट 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कितने यम्मी लग रहे हैं। तो इस तरह बनाइए फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से, यकीन मानिए आपको काफ़ी टेस्टी लगेगी। आप हफ्ते में 2 बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। इस तरह बनाइए, एंजॉय कीजिए फ्रेंड। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो इस तरह बनाइए, एंजॉय कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।